हाय स्टूडेंट, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं सेल। हम सेल का बेसिक और अच्छे से उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको सिंपल तरीके से इसका डेरिवेशन कैसे होगा मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। ये जानते हैं सेल के बारे में। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है ध्यान से सुनेगा, वो हमारे पास कहता है आखिर सेल क्या होता है। स्टूडेंट, सेल का मेन काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल करंट बनाना, और किससे बनाना? किसी भी केमिकल एक्शन से रिएक्शन हम कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट, हम इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करेंगे, हमें बनाना है वो, और किससे बनाना है? बाय केमिकल एक्शन से। तो आपको याद रखना है सेल वो होता है द डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट बाय केमिकल एक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। याद रहेगा स्टूडेंट। अब बात आती है सेल स्टूडेंट कितने टाइप के होते हैं हमारे पास। टाइप जो रहेंगे सेल, दो तरीके के सेल हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल रहेगा प्राइमरी, प्राइमरी, और दूसरा रहेगा सेकेंडरी। स्टूडेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल को मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, सेल वो होता है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट बनाएगा केमिकल रिएक्शन से, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। और सेल को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा, हम इसको दो टाइप में कह सकते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब जानिए प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेल। देखिएगा प्राइमरी सेल क्या काम करता है। स्टूडेंट, इसका मेन आपने जो पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा विच इज यूज्ड, एक ऐसा सेल जो इस्तेमाल होता है, जो हमारे पास क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो याद रखिएगा इसका काम क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी होती है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा हमारे पास किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट करेगा। याद रखना है, ठीक है ना। और यह हम लोग लिख देंगे ये कन्वर्ट करेगा इसको, मेन बात ये होती है। तो आपको याद रखना है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आइए हम लोग लिखते हैं, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको याद रखना है स्टूडेंट, ये हमारे पास होता है प्राइमरी सेल। और स्टूडेंट, प्राइमरी सेल की खासियत क्या होती है, ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल हम लोग इसको स्टूडेंट बोलते हैं। इरिवर्सिबल वो होगा स्टूडेंट जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, हम देसी भाषा में कहते हैं खराब हो जाएगा, उसके बाद हम उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए प्राइमरी सेल जो होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल, जिसको दोबारा एक बार इस्तेमाल होने के बाद, उसको हम दोबारा इस्तेमाल खत्म होने के बाद नहीं कर सकते। याद रहेगा, तो इसलिए हमने इसको लिखा है इरिवर्सिबल। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले एग्जाम्पल के अंदर आएगा डेनियल सेल। डेनियल सेल ये हमारे पास प्राइमरी सेल होगा। उसके बाद आएगा वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल हमारे पास प्राइमरी सेल होगा। और बनाना चाहिए आप लोग इसको बंसन बोल सकते हैं, बंसन सेल। ये हमारे पास क्या रहेगा, ये सारे हमारे पास प्राइमरी सेल के अंदर आते हैं। लैग्रेंजी सेल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं। याद रहेगा स्टूडेंट, ये हमारा था प्राइमरी सेल। अब देखते हैं सेकेंडरी सेल क्या होगा। स्टूडेंट गौर से देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में, क्या कहता है सेकेंडरी सेल, गौर से देखिएगा। सुन, जो सेकेंडरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल देखिएगा क्या काम करता है, बड़ा अच्छा काम करता है ये। वैसे हम लोग इसको भी कह सकते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो रोल प्ले करेगा उसको हम लोग सेकेंडरी सेल बोल सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता रहा हूं, देखिएगा सबसे पहले इसका काम क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होगी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट कह दो, ये उसको स्टोर करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, स्टोर करेगा किसके रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करेगा। याद रहेगा, इसको मैं बोलता हूं चार्जिंग, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको हम लोग बोलेंगे चार्जिंग। उसके बाद ये जो केमिकल जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी इस केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। इस केमिकल एनर्जी को ये क्या करेगा, याद रखना है, कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसको हम लोग बोलते हैं, और इसको स्टूडेंट हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग। बड़ी समझने की बात होती है, सबसे पहले चार्जिंग होगी। चार्जिंग मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा केमिकल एनर्जी के रूप में,
उसके बाद उसको दोबारा से बदल देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो इसको लैंग्वेज में हम लोग ऐसे बोलते हैं, द डिवाइस विच स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज केमिकल एनर्जी एंड देन कन्वर्टेड इट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड टू बी सेकेंडरी सेल। आपको याद रखना है स्टूडेंट। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो सेल होता है ये रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको ऑटो रिचार्ज कर सकते हैं, ये वापस इस्तेमाल हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको बोला रिवर्सिबल। उसके बाद स्टूडेंट इसका एग्जांपल जो आएगा सबसे मेन, हम इसको बोलते हैं निकल आयरन सेल जो होता है वो इसके एग्जांपल के अंदर काउंट होता है। तो आपको याद रहेगा स्टूडेंट, यहां से हमने क्या क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा सेल क्या होता है, सेल वो हो गया जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट बनाएगा केमिकल एक्शन से, पहली बात सेल की डेफिनेशन। उसके बाद हमने प्राइमरी सेल किसको बोला, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा उसको हमने बोला प्राइमरी सेल। और सेकेंडरी सेल हमने किसको बोला, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा केमिकल एनर्जी के रूप में, फिर उसको कन्वर्ट करेगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, उसको हमने बोला है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल इरिवर्सिबल होता है, सेकेंडरी सेल रिवर्सिबल होता है, आपको याद रखना है। अब मैं बैटरी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, बैटरी क्या होगी गौर से देखिएगा। देखिएगा बैटरी, देखो बैटरी और सेल को लेके काफी ज्यादा डाउट्स रहते हैं। देखिए बैटरी होता क्या है, जब टू और मोर देन टू सेल्स, हम लोग लिख सकते हैं टू और मोर देन टू सेल्स आर कंबाइंड, या कनेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं आर कनेक्टेड, जब हम उनको जोड़ते हैं और वो एक्ट करेगा एक्ट एज अ सिंगल यूनिट, वो एक अकेले यूनिट की तरह, जब हमने क्या किया दो या दो से ज्यादा हमने सेल्स को आपस में जोड़ा और वो किसकी तरह काम करेगा, वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। याद रहेगा स्टूडेंट। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रहा हूँ। एक होता है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और एक होता है वोल्टेज, मैं उसको बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझाने जा रहा हूँ, दोनों में फर्क क्या होता है गौर से देखिएगा स्टूडेंट। मैं यहां लिखता हूं ईएमएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और स्टूडेंट यहां मैं लिखता हूं वोल्टेज। स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस बिल्कुल देसी भाषा में आपको बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और स्टूडेंट इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब स्टूडेंट दोनों तो सेम हो गया, कुछ तो फर्क होना चाहिए। और फर्क क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर हमारे पास ये हमने इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया सॉल्यूशन होगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आप मुद्दा समझिएगा सबसे मेन, आगे हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट देखिएगा, अगर हमारे पास ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया क्लोज लूप, क्या हो गया क्लोज लूप, इसका मतलब जब ये दोनों आपस में कनेक्ट है, क्लोज लूप अगर बनेगा तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या होगा वोल्टेज, और ये आपस में कनेक्ट नहीं है तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन लूप। अगर ओपन लूप होगा तो स्टूडेंट उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम रहेगा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और अगर क्लोज लूप रहेगा तो उसका नाम हमारे पास क्या रहेगा वोल्टेज। एक बड़ा मेन डिफरेंस देखिएगा स्टूडेंट, अगर कोई दो चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है तो कुछ चलकर ऐसे इजीली जा सकता है वहां, तो वहां कोई कारण होगा, इसको बोलते हैं कॉज, कारण होगा। लेकिन जब कोई चीज आपस में कनेक्ट ही नहीं है, जब कोई दो चीज आपस में जुड़ी हुई नहीं है तो वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाल सकती हैं, क्योंकि आपस में कनेक्ट नहीं है। तो यहां भी देखिएगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है तो ये एक दूसरे पे क्या डालेंगे इफेक्ट डालेंगे। तो इसलिए आपने किताबों में पढ़ा भी होगा कि ईएमएफ को हम लोग इफेक्ट बोलते हैं और वोल्टेज को हम लोग कॉज बोलते हैं, ये मेन डिफरेंस था दोनों के बीच में। अब मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन और बताने जा रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिएगा स्टूडेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, देखिए हम लोग एक छोटी सी बात कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में,
इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या, गौर से देखिएगा। देखिए सुन, रेजिस्टेंस का मतलब होता है हमारे पास अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ द करंट। करंट के रास्ते में जो रुकावट आएगी ना, उस रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, याद रहेगा। लेकिन यहां भी देखिएगा, रेजिस्टेंस मींस रुकावट तो आती है, लेकिन रुकावट कैसे आती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक ऐसी रुकावट जो हम देख नहीं सकते, जिसके बारे में हम लोग जानते हो लेकिन हमें पता नहीं होता, तो हमने नाम दिया इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे आपने देखा होगा, एग्जांपल के लिए आपके घर इन्वर्टर की बैटरी रखी हुई है, उस इन्वर्टर की जो बैटरी है उसके अंदर एक सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइट, एक लिक्विड भरा हुआ है। जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो लिक्विड जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। चार्जेज इधर उधर जब दौड़ेंगे ना तो एक रुकावट पैदा होगी, और वो जो इलेक्ट्रोलाइट जो बैटरी के अंदर जो लिक्विड है वो जो रुकावट पैदा करता है उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपको याद रखना, तो डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। कई बार हम लोग ये भी बोल देते हैं, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड टू बी इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रहेगा स्टूडेंट, आज हमारा स्टूडेंट ये जो टॉपिक था ये हमारे पास सेल का बेसिक था, आपको ये अच्छे से समझना है, अच्छे से आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल्स का कम्बिनेशन लेकर आएंगे सिंपल भाषा में, उनका सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन कैसे होगा। थैंक यू।